नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? श्रीराज, हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय स्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है। विष्णु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये थे आदरणीय स्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। कोई कुछ अन्य मंत्र करता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखे कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने, उसका दुर्भाग्य होगा। क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए, सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है, और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ, अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं। श्री देवी पुराण में देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है।
गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं 123 पृष्ठ पर, देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं सतुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है आविर्भाव माने जन्म, भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुण्यात्मा इस श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये पांच कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर दो, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर तीन, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर चार, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। ये पुण्यात्मा दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो पुण्यात्मा अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता
लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने सर्वपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी यानी ज्ञान दृष्टि दी, उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की स्थिति बताई है, और ये भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सर्वपुरुष 16वें और 17वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी आर्थ नंबर 2 और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुतम गति में स्थित रहे। अब यहाँ अनुतम का अर्थ एक छठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए, उत्तम माने अच्छा यानी गुड, और अनुतम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहाँ इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको ये भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अब परवर्त हुआ हूँ, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सबको खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब परवर्त हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब प्रकट हुआ हूँ। नहीं, श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके, और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। हम फिर लौट कर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा, यानी यहाँ शांति नहीं, ओम से शांति कभी नहीं हो सकती, ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी, और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि
17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिससे भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है, ओम तो सीधा सर्वपुरुष का ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं है लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी के सथूल शरीर यानी नाशवान है, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, उद्गत एक कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है, पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। 16वें श्लोक में वर्णित इन दोनों सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो या उसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, और वही ये लोक चरम आविश्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवे ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होता है, तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है।